हेलो गाइस, आज मैं एक पार्टी में जा रही हूँ जिसके लिए मैं मेकअप कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने गुड वाइब्स का टोनर यूज़ किया। अब बायोटिक का मैं ये मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे फेस में एंड नेक पे। अब मैं ये ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसको अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे। मैं फिट मी का अपने सेट का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। मैं फाउंडेशन के लिए ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अपने फिंगर से ही इसको ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छे से। मेरे को वो ज़्यादा सही लगता है अपने फिंगर से ब्लेंड करना, और बहुत अच्छे से वर्क भी करता है ये। तो ब्लेंड हो जाते हैं अपने फेस पे। तो मैं अपने नेक में भी इसको अप्लाई करूँगी फाउंडेशन को। आप देख सकते हैं, आई होप आप लोग को अच्छे से मेरा दिख रहा होगा मेकअप। मेरा कैमरा क्वालिटी इतनी सही नहीं है, फिर भी आप लोग को समझ आ जाना चाहिए कि अच्छे से ये अप्लाई हो चुका है। अब मैं ये आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। मैं कैमरे में देख देख के अपना मेकअप की हूँ, और फिर मैं इसको ब्रश की हेल्प से सेट कर ले रही हूँ अच्छे से। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको मेरा डांस दिखेगा। फर्स्ट टाइम हम कोई डांस वाला वीडियो बनाया है। अब मैं टेप का हेल्प से आई शेडो लगाऊंगी। मैंने टेप का जो ग्लू होता है उसको निकाल के ही अप्लाई किया है, नहीं तो मेरा मेकअप पूरा निकल जाएगा। अब मैं ये फाउंडेशन यूज़ की हूँ मेरे डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा शेड का लगाऊं, क्योंकि मेरा ड्रेस था ब्लैक, तो ये मैंने डार्क वाइन कलर का आई शेडो यूज़ किया है। देख सकते हैं, दो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ आई शेडो के लिए। अब मैं गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ। कैमरे में उतने अच्छे से दिख नहीं रहा था गोल्डन कलर, तो मैं अपने फिंगर से ही इसको अप्लाई करूँगी। अब ब्रश की हेल्प से लग भी नहीं रहा था मुझे तो। देखिए, अब मैं इसको फिंगर से हेल्प से लगा रही हूँ तो ये सही दिख रहा था। अब थोड़ा सा बिगड़ चुका था, तो मैं ब्रश की हेल्प से इसको ठीक कर लेती हूँ। अब देख सकते हैं, अब मैं ये लाइनर यूज़ करूँगी ब्लू हेवन का। अपने कैमरे में देख देख के इसको लगा रही थी, फिर मुझसे हुआ नहीं तो मैं अपने जाके लगा के आ गई हूँ। अब ये काजल अप्लाई करूँगी। मैं काजल बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि मेरे डार्क सर्कल दिखने लग जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आज मैं काजल का भी यूज़ कर रही हूँ। थोड़े मोटे मोटे काजल लगा रही हूँ। अब मैं पाउडर से काजल को सेट कर लूँगी अच्छे से। अब पूरे फेस में भी पाउडर अप्लाई कर लूँगी और नेक में भी। अब मैं ये लैसेस लगाऊंगी। ये सेकेंड बार मैं लैसेस को यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास ग्लू था तो गिर गया। मैं बहुत कुछ गिराते रहती हूँ, फिर मैं अपने कपड़े से इसको उठा उठा के अपने आईज़ पर लगा रही थी। फिर मैं लैसेस में भी इसको हल्के हल्के यूज़ कर लूँगी, और कैमरे की हेल्प से मुझे लैसेस लगाना नहीं हुआ तो मैं जाके मिलर में देख के लगा कर आई हूँ। मुझे एक आधा घंटा कम से कम लैसेस लगाने में लगे, फाइनली लग चुका है। अब मैं लिपस्टिक भी लगा ली थी, अब मैं ब्लशर लगा रही हूँ पिंक कलर के शेड में। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट बनाई हूँ कि थोड़ा लंबा ना हो जाए। ब्लशर पार्टी में जा रहे हो, ब्लशर ना लगाओ हो ही नहीं सकता। तो ये मैंने लगा लिया। अब मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर भी मुझे कुछ अच्छे से नहीं अप्लाई हो रहा था, तो मैं अपने फिंगर की हेल्प से हाइलाइटर भी यूज़ कर ले रही थी अपने चीक पे, नोज़ पे। देख सकते हैं अब मेरा मेकअप कैसा लगा, मेरा डांस कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब
आप देख सकते हैं। अब मैं ये ब्लैक कलर का ड्रेस गाउन पहनूंगी और ये बैंगल्स, मुझे मेरे इयररिंग्स नहीं मिल रहे थे, फाइनली मिले तो गिर गए, मिल चुके हैं। और ये मैं फिक्सर लगाना भूल गई थी, मेरा मुझे डर लग रहा था मेरा आईलैशेस निकल ना जाए। अब मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पार्टी में पहुँच गई, ये थी जिनकी शादी थी। फाइनली पार्टी खत्म हो चुकी है।